हमारे बीटीएस के मेंबर्स एक दूसरे का हर एक प्लान में सपोर्ट करते हैं और इसीलिए आज तक वो इतने सालों तक एक ग्रुप की तरह सक्सेसफुल हो पाए हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि आर्मीज को पता चला है कि बीटीएस के मेंबर्स की वजह से वी की तो शादी ही रुक गई है। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि बीटीएस के मेंबर्स की वजह से वी शादी नहीं कर पा रहे हैं, वरना वी ने तो काफी पहले डिक्लेयर कर दिया था कि वो किस से और कब शादी करना चाहते हैं। लेकिन बीटीएस के मेंबर्स की वजह से ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों है और वो कौन है जिससे वी शादी करना चाहते हैं, वो जानने से पहले अगर आप बीटीएस की सबसे फनी और मजेदार वीडियोस को मेरे साथ देखना चाहते हो तो हमारे सेकंड चैनल एडुफेक्स रिएक्शन को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। लिंक आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। तो दोस्तों बीटीएस के मेंबर्स एक साथ हमेशा से रहे हैं। पिछले 10, 11, 12 सालों से बीटीएस के मेंबर्स एक दूसरे के साथ ही रहते हैं और हमेशा टाइम स्पेंड करते हैं। हालांकि अब तो बीटीएस के मेंबर्स की लाइफ में और भी नए नए लोग आ गए हैं, बट पहले बीटीएस के मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ ही टाइम एक्सपीरियंस करते थे। और इसीलिए एक इंटरव्यू के दौरान ना बीटीएस के मेंबर्स ने बताया था कि अगर उनसे कभी कहा जाए कि उन्हें बीटीएस के सिवाय कहीं और रहना है तो शायद उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा अजीब और बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। बेसिकली बीटीएस के मेंबर जिमिन और सुगा का तो कहना था कि बीटीएस के मेंबर्स एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते और इसी तरीके से वो बड़े हुए हैं। जिसके जवाब में जब बीटीएस के मेंबर वी से पूछा गया तो वी ने बोला कि ये बात बिल्कुल सच है कि बीटीएस के मेंबर्स एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और इसीलिए बीटीएस के मेंबर वी ना सभी से शादी कर लेंगे। उन्होंने बोला कि मैं बीटीएस के मेंबर से शादी कर लूंगा ताकि हमें एक दूसरे के बिना रह रहना पड़े। जिसको सुनकर बीटीएस के सभी मेंबर्स काफी हंसने लगे और आर्मीज को भी ये इंटरव्यू देखकर बहुत हंसी आई। सभी बीटीएस के मेंबर्स बोलने लगे कि ये तो बहुत ही ज्यादा फनी है। हालांकि उसके बाद जब एक बार बीटीएस के मेंबर वी से एक आर्मी ने पूछा कि आप तो बीटीएस के सभी मेंबर से शादी करने वाले थे तो फिर उसका क्या हुआ, जिसके रिप्लाई में वी ने बताया कि एक्चुअली बीटीएस के मेंबर्स ने उन्हें हाँ ही नहीं बोला। वी ने बोला कि बांगटान के मेंबर्स ने उन्हें मना कर दिया और उनके शादी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, जिसको सुनकर आर्मीज को बहुत ही हंसी आई। हालांकि दोस्तों ये बात थी जिसकी वजह से हमारे भी शादी नहीं कर पाए। अगर बीटीएस के मेंबर्स वी को शादी करने के लिए हाँ कर देते तो अभी तक वी की शादी हो गई होती। हालांकि ये जोक आर्मीज को बहुत ही फनी लगा और कई सारी आर्मीज कह रही थी कि बीटीएस के मेंबर्स ने तो वी के शादी के पूरे प्लान को चौपट कर दिया, वरना वी तो अच्छे से सोच के बैठे थे कि उन्हें किससे और कब और कैसे शादी करनी है। लेकिन बीटीएस के मेंबर्स की वजह से ये सब अप्रूव ही नहीं हो पाया, वरना कब के हमारे वी तो शादीशुदा हो चुके होते। तो आप सभी मुझे बताओ कि इस मजाक और इस इंसिडेंट को लेकर आपका क्या कहना है। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।